Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे घर पे बटर चिकन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन में आप रेस्टोरेंट जाके बटर चिकन नहीं खा सकते हैं, तो हमने आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन घर पे दिखाया है। इस बटर चिकन की स्पेशलिटी ये है कि इसमें हमने स्मोकी फ्लेवर दिया है चिकन में। ओरिजिनली जो बटर चिकन होता है उसमें चिकन को, तंदूरी चिकन को बनाया जाता है चिकन ग्रेवी में, और इसीलिए हमने इस रेसिपी में चिकन को स्मोकी फ्लेवर दिया है। अब यकीन मानिए ये इतना टेस्टी बना है कि आप रेस्टोरेंट का बटर चिकन भूल जाएंगे एंड यू वुड ट्राई कि आप घर पे ही हमेशा बनाएं। सो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कहीं पर भी हमारे साथ कनेक्ट करके हमको बता सकते हैं कि आपको कैसा बना लगा ये, और अगर कोई रिक्वेस्ट होंगी यू कैन मैसेज अस देयर। तो यहाँ पे हमने इंग्रेडिएंट्स में यूज़ किया है आधा किलो बोनलेस चिकन कॉकुर, आधा किलो हमने यूज़ किया है बोनलेस। फिर हमने यहाँ पे यूज़ किया है टमाटर, टमेटोज एक किलो, फिर लाल मिर्च वजल मर्च वांगुन पाउडर इसका यूज़ किया है, देखिए गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट, नून, नमक, कोरिएंडर पाउडर, दानवल पाउडर, शुगर, चीनी, खांड, बटर, थन, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट, बेलीव्स, तेज़पत्ता दो, एक दालचीनी की स्टिक, दो बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, बुड़ल, निचल, देख सकते हैं आप क्वांटिटी। फिर हमने यूज़ किए 15 से 20 कैश्यूज, काजू, टमेटो केचप। फिर हमने यूज़ किया यहाँ पे ड्राइड फेनुगिक लीव्स या कसूरी मेथी, ये देखिए हमने किए हैं एक लेमन यूज़, और 3 अनियंस, प्याज, त्रिगंड, और अमूल की फ्रेश क्रीम आपको कहीं से भी मिल जाएगी, और हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है फॉर द फर्दर कुकिंग। तो सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है, उसके लिए हमने एक छोटी चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे चिकन के बोनलेस पीसेस में, और एक बड़ी चम्मच लाल मिर्च वजल मर्च वांगन का पाउडर ऐड करेंगे, और एक छोटी चम्मच गरम मसाला का पाउडर, और आधा लेमन लौंग जो है आधा, और अच्छे से अब इनको मिक्स करेंगे हम, मेक श्योर कि जो ये चिकन पीसेस है अच्छे से कवर हो जाए। इसके बाद ऐड करेंगे आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट एक बड़ी चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और फिर से अच्छे से रब करेंगे चिकन पीसेस में, ये अच्छे से रब होने चाहिए चिकन पीसेस में। फिर इसको हम कवर करेंगे, आप कि लिड से भी कवर कर सकते हैं या रैप से भी, और कम से कम इसको आधा घंटा हमें मैरिनेट करके रखना है। ये देखिए, सो अनटिल दैट हम यहाँ पे ग्रेवी की तैयारी करेंगे। हमने कसूरी मेथी ली है, इसको हम रोस्ट कर रहे हैं ऑन अ पैन, ड्राइड फेनुगिक लीव्स इसको हम रोस्ट कर रहे हैं पैन पे, हल्का सा रोस्ट करना है इसको। फिर प्रेशर कुकर लेंगे आप एक, और उसमें एक छोटी चम्मच घी का ऐड करेंगे। जब ये घी गर्म हो जाएगी उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बटर एक बड़ी चम्मच। बटर हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर रहे हैं मक्खन, क्योंकि ये जल जाता है डायरेक्ट ऐड करने से, इसलिए पहले घी में ऐड किया फिर बटर। अब दो तेज़पत्ता, एक दालचीनी की स्टिक, दो बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे बटर और घी पे। फिर इसमें जाएंगे टमाटर, टमाटर जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ हमने कवर के साथ पील के साथ ऐड किया है, ये देखिए इनको हल्का सा फ्राई करना है हमें। फिर जो मैंने बोला था 3 प्याज हमने यूज़ किए हैं, ये भी ऐड कर दिया हमने इसी में, हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे आप इनको। इसके बाद हमने इसमें कैशू या काजू ऐड किए हैं। कुछ रेसिपीज़ में दिखाया जाता है आपको कि कैशूज़ का पेस्ट वगैरह बनाइए, बट यू डोंट नीड टू डू दैट। आप ये सब कुछ प्रेशर कुकर में डाल सकते हैं, और हम एंड पे इनका पेस्ट बनाएंगे। आप इस तरह ट्राई कीजिए एंड आप यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी ये ग्रेवी इसकी। ये देखिए हमने इनको हल्का सा फ्राई किया है। अब इसमें जाएगा पानी तकरीबन आधा कप, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बहुत कम पानी ऐड करना है। फिर जाएगा कोरिएंडर या धनिया या दानवल का पाउडर,
एक छोटी चम्मच, दो छोटी चम्मच गरम मसाला, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च मगन एक छोटी चम्मच, खंड एक छोटी चम्मच, शुगर चीनी, फिर सॉल्ट हमने डाल दिया एक छोटी चम्मच, और बटर फिर से डाल दिया हमने एक बड़ी चम्मच, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट एक छोटी चम्मच, और यही फेनुग लीव्स या कसूरी मेथी, हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे। अच्छे से इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स करेंगे और इस तरह स्टर फ्राई करेंगे हल्का सा, और फिर लेट को कवर करने के बाद आप एक विसल को वेट करेंगे ऑन हाई फ्लेम, फिर लो फ्लेम पे रख के आप 3 विसल्स के लिए वेट करेंगे। तब तक आप सेपरेट पैन में लेंगे ऑयल, हमें हल्का सा ही ऑयल इस्तेमाल करना है क्योंकि हमें इसको तंदूरी फ्लेवर देना है, और यूजुअली रोस्ट करते हैं लेकिन अब हमको स्टिक ना हो जाए चिकन, इसलिए हमने हल्का सा ऑयल डाल दिया। जब आप चिकन ऐड करेंगे इस पे, आपको ये चिकन इसी फ्लिप नहीं करना है, आपको फ्लिप करने के बगैर रखना है ऑन सिंगल साइड, जब तक ना वहाँ से पूरी तरीके से इसमें लाइन्स बन जाए, ये देखिए, फिर जाके आपको इसको फ्लिप करना है और दूसरे साइड से इसको करना है फ्राई या रोस्ट। पहले एक साइड से ही रखना है जब तक ना वहाँ से पूरी तरह इसको लाइंस बन जाएंगी। ये देखिए, ये स्मोकी फ्लेवर इससे भी आ जाएगा आपको बहुत हद तक, लेकिन हम इसमें स्मोक भी इंड्यूस करेंगे। अब हम निकालेंगे इसको ऑन इन अ सेपरेट बोल। यहाँ पे हम चारकोल हमने रख दिया है कोयला गैस पे, बर्नर पे, और इसको गर्म, पूरा गर्म होने का वेट करेंगे। फिर इसको बोल में डाल दिया है, और छोटी सी बोल को रख दिया है चिकन के बोल में, फिर ऊपर से हमने डाल दिया है घी, और फिर कवर कर देंगे हम लिड से। इससे जो ये स्मोक है ये सारा इन्फ्यूज़ हो जाएगा चिकन के पीसेस में जो हमने अभी फ्राई किए थे। ये देखिए, ये स्मोक इसमें इन्फ्यूज़ हो रहा है, और इसी से ये स्मोक की तंदूरी फ्लेवर आएगा इसको। यहाँ से हम विसल ओपन करेंगे प्रेशर कुकर की, एंड वी विल सी अ करी। ये देखिए, इसके बाद हम इसमें आपको जो भी मसाला दिखेगा जो आप रिमूव कर सकते हैं वो आप रिमूव करेंगे, जैसे कि हम तेज़पत्ता, बे लीव्स, दालचीनी, बड़ी इलायची वगैरह, जो आप रिमूव कर सकते हैं यू शुड रिमूव दैट, अदरवाइज़ बाकी हम मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीसेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा डिज़ोल्व। ये देखिए, हमने दालचीनी की स्टिक रिमूव कर दी, बे लीव्स रिमूव कर दिए। अब हम लेंगे मिक्सर ग्राइंडर या फूड प्रोसेसर, और उसमें ऐड कर देंगे आप इस सारा टमेटोज़ का जूस जो भी है ये करी में, उसको अच्छे से आप एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए आप, सच अ लवली कलर दिस इज, ये फाइन पेस्ट का बन चुका है। अब हम पैन लेंगे और उसमें येट अगेन ऑयल डाल देंगे, लाइक ए सेट, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है आपको, और फिर से इसमें डाल देंगे हम बटर। ये ऑयल हमने इसलिए ऐड किया ताकि जो है बटर है जले ना डायरेक्ट ऐड करने से पैन पे। सो बटर इसमें काफ़ी यूज़ होगा बिकॉज दिस इज़ अ बटर चिकन, एंड एज द नेम सेज इसमें बटर तो ऐड होगा ही। अब आपको एक छानी लेनी है या सीव, और उसमें से एक करी को पास करना है। इससे ऐसा होगा कि हमें जो स्मूथ टेक्सचर्ड करी है सिर्फ वो मिल जाएगी, और जो इसमें रेजिड्यू वगैरह होगा बाकी स्पाइसेस का, मसालों का, वो हमें यूज़ नहीं करना है। ये देखिए, हम इसको छानी में से पास कर रहे हैं इस करी को, और अब आप देख सकते हैं ये सारा जो रेजिड्यू है स्पाइसेस का वो ऊपर रह गया है। इसको आप कवर करेंगे लिड से क्योंकि इसमें जो टोमेटोज़ है और ऑयल है छींटे बाहर आ सकती है, सो यू शुड कवर इट विद लिड जब तक ना ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। करी जो है ये तैयार है, अब इसमें बाकी चीज़ें ऐड होंगी। अब हम डाल देंगे इसमें टमेटो केचप की एक छोटी चम्मच, फिर बटर एक छोटी चम्मच, कसूरी मेथी, फेनुग्रीक लीव्स फिर से स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से। ये फाइनल स्टेज है इस करी की, इसको अच्छे से आप फिर से मिक्स करेंगे। अब जाएगा इसमें चिकन जिसको हमने स्मोक दिख किया था अभी इन्फ्यूज़, फिर हमने अब इसको लिड रिमूव किया और अब जाके इसमें ऐड कर दिया वो चिकन। इनको आप मिक्स करेंगे करी के साथ चिकन पीसेस को। और अब इसमें जाएगी क्रीम, अमूल की फ्रेश क्रीम, इसमें वो लगभग आधा कप तक जाता है। इससे इसको
बहुत ही अच्छा क्रीमी फ्लेवर और टेक्सचर आता है। ये आप देख सकते हैं क्रीम ऐड करने के बाद कितना अच्छा कलर हो गया है करी का। एंड आप जब तक ये ट्राई नहीं करेंगे यू वुड नॉट एक्सपीरियंस हाउ गुड इट टेस्ट। सो मैं इसलिए आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप प्लीज़ ये ट्राई कीजिए घर पे। आप यकीन मानेंगे ये बहुत टेस्टी बन चुका है एंड यू वुड वॉन्ट टू मेक इट अगेन एंड अगेन। ये देखिए आप कलर, एंड मेक श्योर कि आप ज़रूर स्मोक इन्फ्यूज़ करें चिकन में, उसी से इसको तंदूरी फ्लेवर आता है। बटर चिकन में ज़रूरी होता है तंदूरी फ्लेवर होना चिकन में। अब हम इसको गार्निश करेंगे विथ सम मोर फ्रेश अमूल क्रीम एंड आपका बटर चिकन तैयार है। प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी एट होम और हमें नीचे कमेंट्स में लिखिएगा आपको पसंद आया, या अगर आपके पास कोई और स्पेशल रिक्वेस्ट है आप वो भी नीचे लिखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को।